सो हेलो माई यूट्यूब फैमिली, और माय नेम इज जयदीप गोखले, और आ चुके आप फिर से मेरे ब्लॉग पर। सो आज हम आए थे अटल ब्रिज की ओर, जो रिवर फ्रंट पर आया अटल ब्रिज। तो हम अटल ब्रिज के अंदर जाते हैं और फिर अंदर जाके फिर आपसे बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पे काउंटर 4 है, यहाँ पे आपको अटल ब्रिज और फ्लावर पार्क की मिल जाएगी, जहाँ काउंटर 1 और 2 है इस पर तुमको नहीं मिलेगी आई थिंक, तो यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो आप आ रहे हो तो काउंटर 4 पर आना, 3 पर और 2 पर और 1 पर खाली फक अटल ब्रिज के लिए है, और काउंटर 4 पर आपको अटल ब्रिज और फ्लावर पार्क की मिल जाएगी। तो यहाँ पर आइए, यहाँ विजिट करिए, और आप देख सकते हो फ्लावर्स हो, तो यहाँ पर सामने फ्लावर का है, ठीक है, अंदर ही है इसलिए फ्लावर का, अटल का है, इसके बाद फ्लावर में जाएंगे हम। सो आप ब्लॉग को देखना, स्किप मत करना, ठीक है, और इन्जॉय करना। ओके, सो ये रही हमारी टिकट, सब टिकट देख सकते हो जो हमने लिए 40-40 वाले। तो यहाँ पे 2 वेराइटी, 30 वाली 1 40 वाली है, सो हमने अभी 40 वाली ली है, ठीक है, क्योंकि हम फ्लावर्स को भी जाके आएंगे पूरा अटल ब्रिज। तो आप देख सकते हो अटल ब्रिज भी आ सकते हो, और प्लस आपको जैसे रिवर फ्रंट से आना है तो आप रिवर फ्रंट से भी आ सकते हो, तो रिवर फ्रंट का यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से रिवर फ्रंट भी जा सकते हो, और आपको यहाँ से ऊपर आना है तो आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और ये रहा जो आप व्यू देख सकते हो यहाँ से अटल ब्रिज से, जो व्यू आ रहा है एटमोस्ट, ठीक है, यहाँ से भी बहुत बेस्ट व्यू आ रहा है। तो आपको व्यू कैसा लगा व्यू देख लेना, और अच्छा लगा हो तो बोलना, और बहुत बढ़िया है सर, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे अटल ब्रिज का, ठीक है, व्यू अच्छा लगा। तो हम आगे जाते हैं, आगे जाके भी देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है, और आते गए अभी अंदर, तो अभी आगे भी जाएंगे देखेंगे, आगे कैफ़े है तो कैफ़े में जाते हैं, कैफ़े में भी देखते क्या है, ठीक है, क्या है, कैसा फूड का मिल रहा है, ठीक है, और आइसक्रीम मिल रही है कैफे में, और आगे हारमोन का है, यहाँ पर हम जाके आते हैं हारमोन में, आगे से देखते हैं, आगे आगे जा रहे देखते हैं और क्या है। और मैं बहुत एक्साइटेड, ये बहुत बढ़िया बना है यहाँ पर, यहाँ पर हारमोन का है, और यहाँ पर आइसक्रीम आइसक्रीम सब मिल जाएगी, जिससे आगे फ्लावर्स भी है, तो फ्लावर्स सब भी हम जाके आएंगे आई थिंक यहाँ पर आया, ठीक है, सामने का दिखता होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है जो मैंने 2-3 ब्लॉगर में देखी, जहाँ पर बोल रहे थे वो लगाने का जालियाँ, ठीक है, यहाँ से कोई भी गिर सकता है, किसका फ़ोन गिर सकता है, तो ये भी मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम रील्स बनाएंगे अभी, तो रील्स बनाएंगे और पोस्ट करेंगे थोड़ी, तो रील्स बना के पोस्ट करेंगे और थोड़े फोटो भी पढ़वा लेंगे, और एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, ठीक है, यहाँ पे अभी इतना क्राउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे ज़्यादा क्राउड होता है, तो उस बात पर ट्यूजडे ना, हाँ ऐसा ही होगा, कुछ कुछ ऐसा ही होगा, मुझे भी पता नहीं है, तो अभी इतना क्राउड नहीं है, बट अभी देखना जाता नॉर्मली क्राउड है इतना, ठीक है, कि इतना नहीं है, इतना होना चाहिए, ठीक है। सो देखेंगे ऐसा होगा तो सैटरडे संडे भी ब्लॉग बनाने आएंगे, तो आप ये ब्लॉग को ओके। मैंने अभी फोटो पढ़वाया था, और ये जो नीचे कांच, यहाँ पे हम जो फोटो पढ़वा रहे थे, पर यहाँ से अभी तक क्लियर दिख नहीं रहा, ठीक है, जो पहले दिख रहा था अभी तक क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, और यहाँ पे हमने फोटो शूट करवाया, और यहाँ पे कितनी पब्लिक है जो रील्स बना रही है अभी, ठीक है, पर हम भी अभी एक दो रील्स बनाएंगे, ठीक है, तो एक दो रील्स बनाएंगे अभी, ठीक है, इसके पहले हमने कहा कि थोड़ा मज़े कर ले, क्योंकि इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी लाइफ के लिए, तो हम इन्जॉय कर रहे थे, पब्लिक बहुत है यहाँ पे, अच्छी अच्छी सर देखने जाए तो अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाया, ठीक है, यहाँ पे जो बंदा आ रहा है ट्रैवलिंग कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगेगा इसको, ठीक है, अच्छा लगा यहाँ पे, एटमोस्ट तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ट्रैवल करने जैसा ही है, ठीक है, यहाँ पे तो इतना है, इतना बोलना चाहूँगा, खाली थोड़ी सी चीज़ है इसको ध्यान रखी, जैसे यहाँ का थोड़ा ध्यान रखना था, बस यही थोड़ा प्रॉब्लम लगा मुझे, बाकी तो बहुत बढ़िया बनाया उन लोगों ने, तो चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे बहुत पब्लिक अभी भी आई जा रही है पब्लिक, ठीक है, तो आधे घंटे का रखा था, जैसे 40 मिनट में कोई आधा घंटा है, तो हमने कहा आधा घंटा से ऊपर तो हो ही जाएगा यहाँ पे घूमने में, क्योंकि बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक दो रील्स बनाएंगे तो भी 10-15 मिनट ऐसी हो जाएगी रील्स बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो अटल का ये एक्सपीरियंस किया ब्लॉग, फोन का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा, अटल में आ रहे हो तो आप ये एक्सपीरियंस भी ले लो, ठीक है, सब एक्सपीरियंस लेना चाहिए अटल, ये एक्सपीरियंस भी आपको बहुत लेना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर स्वच्छता भी है, तो स्वच्छता भी रखो प्लीज़, यहाँ पे आप स्वच्छता रखो, हम जैसे हम अभी कौन खा रहे हैं, ठीक है, सो हम कौन खा रहे हैं, तो हम होंगे तो डस्टबिन में नखेंगे, आप इतनी स्वच्छता है तो प्लीज़ स्वच्छता को आप मत ख़राब करो, ठीक है, जो भी आ रहे हैं कुछ भी खा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे डस्टबिन सब जगह दिया है, तो यहाँ पे डस्टबिन में जाके आप कचरा डाल सकते हो, ठीक है, हो सके तो, पब्लिक देख रही है थोड़ी देर, सर्च मारना कर जाके जो देख रहा हो, अभी इसे दो साइड से रख दो,
दोनों साइड से आ सकते हो, दोनों साइड गेट से आ सकते हो, ऐसा कोई भी एक साइड से दोनों साइड से आप आ सकते हो, ठीक है। और ये हमारे हर्ष गुर्जर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, जगह मुझे बहुत बढ़िया लगी है। हाँ, यहाँ आपने कौन खाया वो भी बहुत बढ़िया रहा। गंदगी मत फैलाना, कचरा डस्टबिन में आना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना आप भी, और मेंटेन जगह मेंटेन अच्छी करिए, बहुत अच्छी करिए, पानी के बीचे बीच रखा है। देखो अब आपको व्यू दिखा दो, ये अब हाथ चल रहा है अभी, यार सन कितना बस लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आजू बाजू, यानी बोलते ना पूरा क्लीन रखा है, पूरा क्लीन रखा है, डिसिप्लिन के साथ है सब कुछ है, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पर तो अभी हम जा रहे हैं फ्लावर शो पे, और ठीक है तो हम फ्लावर शो पे जाते हैं, फिर फ्लावर शो पे जाके आपसे बात करेंगे। तब तक तो देखो आप ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, स्किप मत करना, जितना हो सके इतना देखना, शेयर करना, ठीक है, सबको शेयर करना। और आपको एक चीज़ दूसरी बता दूँ कि आप यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है, रिवर फ्रंट से भी आप आ सकते हो, रिवर फ्रंट से भी आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। ये रहा रिवर फ्रंट का एग्जिट, एंड दोनों साइड से आप आ सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब अभी जाएंगे हम फ्लावर शो के साइड। उसको ब्रो ये ब्रो लग गई, अरे यार मेरे आज तो मेरे भाई को लग गई यार। ओके सो हम अभी तो बाहर आ गए, अटल ब्रिज से हम बाहर आ गए और फ्लावर शो की तरफ जा रहे हैं। सो ये रहा पीछे अटल ब्रिज जो आप देख सकते हो, तो यहाँ से हम एटमोस्ट बाहर आ गए हैं और अब जा रहे हैं हम फ्लावर शो की तरफ। तो फ्लावर शो पे जाते हैं, ये रही फ्लावर शो, आई थिंक यही है। सो फ्लावर शो में जा रहे हैं, देखते हैं फ्लावर शो में जाके इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फिर वेट करें, ओके सो ये आ गया है फ्लावर शो, पर एटमोस्ट फ्लावर शो बंद लग रहा है, इसे चालू है, देखते हैं हम फ्लावर शो में। पब्लिक है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पेड़ है ना बस, हाँ यहाँ पर फूल है, देखो ये रहे फूल, ठीक है, और दूसरे भी फूल बैठे हैं जो आप देख सकते हो, ये रहे फूल। तो यहाँ पे फूल है, अमुक जगह पे फूल है, बाकी सब जगह तो यूँ पेड़ ही है बस, बड़ी बड़ी घासें हैं ये सब है, ठीक है। ये लिखा कलर लिफ्ट गार्डन, देख सकते हैं आपको लिखा यहाँ पर कलर लिफ्ट गार्डन। तो एटमोस्ट यहाँ पर क्या है देख लेते हम। हाँ ये अच्छा है, यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे सब खुली खुली जगह है, प्लस यहाँ पे क्या नेचर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सुकून मिल रहा है, ठीक है। और यार आपको एक बिल्डिंग दिखा दो, एक जस्ट सामने जो रिवर फ्रंट पे भी बनी है नई, ये सामने बस ऐसे में घर चाहिए, क्या है रोज़ घूमते रहते हैं तो हमको क्या मज़ा आएगी। हमारे यहाँ तो बना हुआ ही है पहले से ही गार्डन, इसमें फ्लावर तो होता ही रहता है पूरे दिन, फ्लावर ही घूमते रहते हैं, हम तो फ्लावर में ही घूमते रहते हैं इसलिए, ठीक है। बाकी अच्छा है, थोड़ा बढ़िया बनाया इन लोगों ने, ठीक है। और अटल तो बहुत बढ़िया था, अटल तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारा अटल का, फ्लावर शो का भी बढ़िया एक्सपीरियंस ही है, ठीक है, फिर बहुत बढ़िया ही लग रहा है हमको, ठीक है। आगे आ गए, यहाँ पे देखो आगे आपको चेस दिख रहे होंगे, हम चेस के यहाँ भी जाएंगे अभी, चेस खेलने, हाँ चेस खेलने भी जाएंगे थोड़ी देर बाद, देखते हैं। नहीं पर हमको आती नहीं है, उठा सकते हैं हमको चेस हमने आती नहीं है, ठीक है, हमने कभी राजा कौन है रानी कौन है पता है, हमको इतना पता है राजा है ना रानी बस, नहीं मेरे को तो पता है राजा रानी कौन है, बाकी और कुछ हमको रमते नहीं आती बस। देखो कितने लोग रम रहे यहाँ पे, चेस रम रहे, देख सकता कितने लोग यहाँ पे चेस रम रहे, ठीक है, राइट में हम नहीं रम रहे, कितने लोग रम रहे, जिसको आ रही भाई वो तो रमेगा ही, अब जिसको नहीं आ रही वो कैसे रमेंगे चेस, ठीक है। हमको तो आती नहीं है इसलिए हम तो रम ही नहीं रहे, आ रहे यहाँ पे पब्लिक रम रही है, था नहीं पब्लिक रम रही है यहाँ पे, हम भी रमेंगे कभी, हैं सीखेंगे, अब सीख लेंगे हम, ठीक है। और है थोड़े बैठे हैं यहाँ पे, सब फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, वीडियो बना रहे हैं, देखो हाँ पब्लिक वीडियो बना रही है, सब वीडियो बना रहे हैं। तो बस हमारे तो पहले बिल्डिंग पहले देखे, और रिवर फ्रंट के एग्जैक्ट सामने जो आपको यहाँ पे दिखता हो, तो नहीं दिख रहा हो तो वीडियो में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक SVP हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है, हॉस्पिटल भी है। तो रिवर फ्रंट पर कोई भी प्रॉब्लम होता है यहाँ से भी हॉस्पिटल भी जा सकते हो, रिवर फ्रंट पर अच्छा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और आगे तो देखते हैं, आगे एक तालाब भी है, और यहाँ पे तो देख रहे हैं हम टावर सो में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सो हाँ यहाँ पे बढ़िया लाइट वाइट होती होगी, यहाँ पे पानी वाणी भी सब बंद है, हम आते तो सब बंद ही हो जाता है, क्या पता। ये रहा देखो SVP जो हॉस्पिटल बोल रहा हूँ ना, वो यहाँ पर हॉस्पिटल है, ठीक है। और अभी तो पानी चालू है बच्चों का ही है सब, हाँ तालाब है तो तालाब के साइड जाके हम तालाब क्या देखते हैं, जाके तालाब हो गया। ये रहा
जो तालाब मैं आपको बोलता यहाँ पे भी इतना पानी नहीं है वो तालाब पे, पर एक टाइम था यहाँ पे बहुत पानी रहता था, अब यार नहीं है। तो यहाँ पे भी जैसा बारिश आएगी तो यहाँ पे बारिश होना तब आने का, यहाँ पे क्या होता है कि बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, फिर बारिश नहीं इसलिए, बाकी बारिश होना यहाँ पे वेदर पे इतना बढ़िया लगता है नेचुरल पे, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ है ना भाई वो बहुत बढ़िया ही होती है। और ये रहा बस यहाँ तक ही था फ्लावर्स हो, थोड़ा आगे है पर कुछ नहीं है, बस यहाँ तक ही था इसलिए फ्लावर्स हो, ठीक है। और ये रहा सामने अटल, जो आपको अटल दिख रहा होगा, रुक जाओ आपको अटल बता दूँ, ये रहा सामने अटल। तो अटल में भी हम जाके आ गए, फ्लावर्स हो में भी हम आ गए, सो ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। दो मिनट रुक जाओ, ओके। सो ये हमारा एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। और हम अभी हसू से भी पूछेंगे, हसू आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया। अभी आओ मैं कहता हूँ, हाँ आप बहुत मजा आएगा यहाँ पे, आप सब भी अहमदाबाद आओ, फैमिली के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, तो ये सब भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। हमको तो बहुत बढ़िया रहा हमारा एक्सपीरियंस, ठीक है। सो ब्लॉग को यहीं यहाँ से जाना है, ओके। सो हम थोड़ा और घूम लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम घूम लेते हैं, बाकी है ही नहीं कुछ यहाँ पे, इतना नहीं है, ठीक है। बस तो एंडिंग तो पद ही किया था, ठीक है, तो हम घूम के अब निकलेंगे घर की तरफ, ठीक है। तो ब्लॉग को यहीं मैं कर रहा हूँ द एंड। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आई होप यू गाइस आपको ये ब्लॉग में बहुत मज़ा आई होगी, ठीक है, और आपने बहुत इन्जॉय करा होगा। तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट में बोलना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाना तो मेरी यूट्यूब की दूसरी भी लिंकें होगी, यहाँ पे जाके भी मेरी वीडियो देखना, और मेरा इंस्टाग्राम होगा लिंक, तो इंस्टाग्राम के लिंक में भी जाना, ठीक है, और मुझे फॉलो करना। और हमारे हर्ष गुज्जर की भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो प्लीज़ इनको भी जाके फॉलो करना। और ये हमारे ये भाई है, तो ये भी अभी अपनी यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इतना हो सके जितना आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो उनसे डबल ट्रिपल 10 गुना सपोर्ट मेरे भाई को भी करना, ठीक है। तो आप कब से बना रहे हो आपकी यूट्यूब चैनल? थोड़े दिन में बनाने वाला हूँ मैं, तो ये भाई थोड़े दिन में बनाने वाले, सैटरडे बनाने वाला हूँ, हाँ। तो प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल दूसरा बनने वाला है मेरे भाई का, प्लीज़ इसमें भी आप सपोर्ट दिखाना जितना हो सके इतना, ठीक है। सो ये रहा हमारा अहमदाबाद, अटल भी देख लिया, फ्लावर भी देख लिया, और ब्लॉग को द एंड करने का टाइम तो आ चुका था, हमने द एंड तो कर लिया था। तो अभी हमने देखा कि यार यहाँ पे भी थोड़ा है, तो हमने कहा पब्लिक को हम दिखा दे, तो अब देख लो हरियाली, तो आपको दिखा रहे हम, ठीक है। अभी यहाँ से बाहर का जाएंगे अटल ब्रिज से प्रवेश, नहीं यहाँ से अटल ब्रिज से प्रवेश है, ओके ओके। तो अब जैसे यहाँ से फ्लावर शो में आ रहे हो तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो अटल ब्रिज के, हाँ। तो अब व्यू समझ रहे हो तो स्कैम तो नहीं, सो यहाँ से पूरा घूम के आपको आना है, और यहाँ से आप एंट्री फिर से ले सकते हो अटल ब्रिज के अंदर। तो हमने फिर से अटल ब्रिज के अंदर एंट्री ले ली है, फ्लावर शो ये रहा सामने साइड, फ्लावर शो से फिर वापस यहाँ पर रिटर्न आ गए, उनको चेक कराना पड़ेगा। यहाँ चेक करा दिया, ठीक है, और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और हम अंदर आ चुके हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अंदर आ चुके हैं। हमको लगा था स्कैम हो जाएगा हमारे साथ, हमको कोई स्कैम नहीं हुआ, और अभी तो और भीड़ हो गई, ठीक है, और ज़्यादा क्राउड हो गया, फिर जो हमें कोई क्राउड भी दिख रहा है ऐसे, उससे क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्राउड जा, पहले इतना क्राउड नहीं था, इतना क्राउड ही दिखेगा, तो पब्लिक अब तो फोटो शूट करा रही है, वीडियो बना रही है, ठीक है। हमको लगा था इतना ट्रैफिक नहीं होगा, वो तो पता नहीं ट्रैफिक हो गया यार, ब्लॉग को एंड कर दिया था, पर मैंने कहा नहीं यार अब थोड़ा है तो पब्लिक को और थोड़ा बता दिया जाए, ठीक है। अभी देखो सब यहाँ पे टिकटॉक रील्स सब यहाँ पे टिकटॉक रील्स ही बना रहे हैं, ओके। शाम के टाइम भी इतना क्राउड यार, अभी तो नहीं था, अभी तो सुबह है तब तो कोई था ही नहीं पब्लिक, अभी ज़्यादा पब्लिक आ गई, अभी देख रहे हो कितनी पब्लिक आ गई सब जगह से, भी पब्लिक क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउड, पब्लिक ही पब्लिक दिख रही है, अभी तो पब्लिक नहीं थी ना, अभी इतनी सारी पब्लिक आ गई, देखो आप पब्लिक तो देखो यार। और यार एक तो चढ़ाई करने का यहाँ पर यार, इसमें पैर दुख जाते हैं मेरे तो यार चढ़ने पर, ठीक है, यहाँ पर पहले चढ़ने का नहीं था यार, ऐसे चढ़ना उतरना थक जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने दिखा दिया कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट लेनी है, वो भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। और आप फ्लावर शो में जा रहे हो तो फ्लावर शो से यहाँ पे स्कैम नहीं होगा, ऐसे रिटर्न आपको घूम आ जाओगे तो यहाँ से बाहर निकल सकते हो, तो ये चीज़ को भी आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा हो नहीं,
हम आ सकते हैं यहाँ से भी बाहर। अभी हम हो रहे रिटर्न फिर से, तो हमने आपको पूरा पूरा दिखा दिया हम कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे, पूरा सबको पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में करना। हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमको बताना, ठीक है। और हम जा रहे बाहर की तरफ, और ठीक है तो अभी फिर से बोलो हम कर रहे ब्लॉग को बाय, ठीक है। हमको बहुत बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। यहाँ पे आना जरूर, यहाँ पे आना जरूर, अहमदाबाद में आओ तो अटल ब्रिज पर आना, अटल ब्रिज का एक्सपीरियंस भी आपको बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अटल ब्रिज पर आओ, एक्सपीरियंस लो। तो वापस हम बोलो बाय।